नगर निगम देहरादून में विभिन्न वार्डों से शुल्क एकत्रीकरण का कार्य महिला स्वयं सहायता समूह से कराने का निर्णय लिया है। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि महिला स्वयं सहायता समूह को नगर निगम के 38 वार्डों से कूड़ा एकत्रीकरण का शुल्क वसूलने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी महिला समूह को वार्डों का आवंटन कर दिया गया है। वहीं समूह की महिलाओं को शुल्क वसूलने पर कमीशन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर निगम के शेष 9 वार्डों के लिए निगम की ओर से अब दोबारा इन वार्डों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं नगर निगम की आधारित दर के अनुसार यूजर चार्ज एकत्रीकरण के साथ साथ संबंधित वार्ड की साफ सफाई व्यवस्था पर भी अपनी नजर रखेंगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। 45 वार्ड ऐसे हैं जिसमें यूजर चार्ज का काम महिला स्वयं समूह के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित था। इसके अंतर्गत हमारे द्वारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला गया। जो प्राप्त आवेदन थे उनकी कमेटी द्वारा स्क्रूटनी कर उनको वार्ड अलॉट किए गए हैं। इस प्रक्रिया में 38 वार्ड महिला समूहों को अलॉट कर दिए गए हैं। शेष 9 वार्ड के लिए पुनः EOI निकालने की प्रक्रिया गतिमान है। इन महिलाओं को उनका कार्य समझा दिया गया है, रसीद बुक दे दी गई है। अभी उनके द्वारा फील्ड में जाकर सर्वेक्षण किया जा रहा है और इस माह से ही यूजर चार्ज का कलेक्शन का कार्य उनके द्वारा प्रारंभ कर दिया जाएगा।